अच्छा, जितने भी मैं ग्राफ ड्रॉ करूँगा 11.2 में टोटल 6 ग्राफ हैं जिनको मैं ड्रॉ करूँगा, वो सब मैं ड्रॉ करके ना तस्वीरें लेके उनकी एक पीडीएफ बना दूंगा, और वो पीडीएफ 11.2 की जितनी भी वीडियोस आएंगी ग्राफ से रिलेटेड उन सब के डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। तो अगर आप लोगों को वैल्यूज़ क्लियर नहीं हो रही या कोई पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा कि मैंने किधर ड्रॉ किया है, किस तरह ड्रॉ करना है, तो वो आप डाउनलोड कर लेना, लिखा हुआ होगा डाउनलोड लेक्चर पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में, तो डाउनलोड कर लेना और देख लेना कोई भी अगर आपको कन्फ्यूजन है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, इस वीडियो में चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे, और जो 11.1 जो है, अब वो समझने से पहले ना मुझे ग्राफ समझाना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ का बिल्कुल नो हाउ है ही नहीं, आप लोगों को पता ही नहीं है। साइन का शायद किसी को पता हो, लेकिन बाकी टेंजेंट को सीकेंट सीकेंट किसी का ग्राफ पता ही नहीं है। तो अगर मैं चैप्टर 11 सही तरीके से समझाऊंगा तो फिर आप लोगों को चीज़ समझ ही नहीं आएगी। अगर सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करवाने हैं वो तो आराम से हो जाएंगे, वो तो 11.1 से स्टार्ट करवा दूँ वो भी हो जाएगा, लेकिन आप लोगों को पता है मैं सही तरह टॉपिक पूरा समझाता हूँ जो आप लोगों की बुक में लिखी हुई है चीज़ पूरी। तो उसमें डोमेन एंड रेंज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक, वो समझाना है, उससे पहले आप लोगों को ग्राफ की नोहा होनी चाहिए। तो इसलिए मैं 11.2 के जस्ट अभी आप लोगों को कुछ भी नहीं बता रहा, सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि आप लोगों ने ग्राफ ड्रॉ किस तरह करना है। बाकी जितनी टर्मिनोलॉजीज़ हैं ग्राफ से रिलेटेड, डोमेन रेंज और जो भी है, ये मैं इंशाल्लाह बाद में कवर करवाऊंगा। पहला क्वेश्चन जो है आपके पास 11.2 का, वो क्या है कि आपको ग्राफ ड्रॉ करना है साइन थीटा का, और इसमें थीटा की उन्होंने रेंज दे दी है, थीटा की वैल्यूज उन्होंने बोल दिया है कि माइनस पाए से लेके पाई के दरमियान होना चाहिए। ये इनइक्वालिटी की नोटेशन है, इसका मतलब ये होता है कि थीटा इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू माइनस पाए, थीटा इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू माइनस पाए, एंड थीटा इज़ लेस देन एंड इक्वल टू पाए। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि ये जो सिंपल निशानी ये होती है कि इनइक्वालिटी का जिस तरफ मुंह खुला हुआ है ना वो चीज़ ग्रेटर होती है। तो थीटा माइनस पाए से ग्रेटर है, और नीचे जो एक लाइन लिखी हुई है इसका मतलब ये इक्वल भी है। तो थीटा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू माइनस पाए, एंड थीटा लेस देन एंड इक्वल टू पाए है। और अगर इसे आप डिग्री में चेंज करो तो ये क्या होगा, -180 डिग्री से थीटा आपका बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है, और इसमें -180 डिग्री और 180 डिग्री शामिल है। अगर ये इक्वल का साइन ना होता ना तो इसका मतलब है -180 डिग्री और 180 डिग्री शामिल ना होते, लेकिन अभी इक्वल लिखा हुआ है इसका मतलब है -180 डिग्री भी शामिल है और इससे सारे ग्रेटर एंगल, इसी तरह 180 डिग्री भी शामिल है और इससे जितने छोटे एंगल हैं वो सब शामिल हैं। अब इनको ड्रॉ करने का तरीका ये होता है कि आपको थीटा की कुछ वैल्यूज़ पुट करनी होती हैं। आप थीटा की वैल्यूज़ पुट करोगे आपको वाई की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। लेट मैंने कर लिया वाई इक्वल टू साइन थीटा है, अच्छा आप यहाँ थीटा भी लिख सकते हो, आमतौर पर आपको साइन एक्स भी नज़र आता है, वाई इक्वल टू साइन एक्स, एक ही बात है। साइन एक्स लिखोगे तो एक्स का मतलब आपने एंगल पुट करने हैं, एक्स की जगह पे एक सेट ऑफ एंगल्स पुट करोगे आप, और थीटा का मतलब भी ये है कि आप थीटा की जगह एंगल्स पुट करोगे। तो नोटेशन का फ़र्क नहीं है, अगर वाई इक्वल टू साइन एक्स लेट करो या वाई इक्वल टू साइन थीटा लेट करो। होगा क्या, थीटा जो है इसको हम डोमेन बोलते हैं, मतलब इनपुट वैल्यूज़, बाकी मैं डिटेल में बताऊंगा डोमेन ये सब चीज़ें क्या होती हैं। इनपुट वैल्यूज़ का मतलब आप थीटा पुट करते हो और आपको कुछ वाई वैल्यूज़ मिलती हैं। तो आप एक टेबल बनाओ जिसमें थीटा की वैल्यूज़ अपनी तरफ से आप पुट करोगे, लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन है, वो क्या है कि थीटा की वैल्यूज़ -180 डिग्री और 180 डिग्री के दरमियान होनी चाहिए, इससे बाहर नहीं होनी चाहिए। तो देखो 180 डिग्री से ग्रेटर मैंने कोई वैल्यू नहीं डाली, और -180 डिग्री से मैंने कोई छोटी वैल्यू नहीं डाली, तो थीटा की वैल्यूज़ आप लेट कर लोगे। अच्छा, आम तौर पे आसानी के लिए और अच्छे तरीके से ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हम कन्वेंशन हमने सेट की हुई है, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है कि हम जो इंटरवल सेलेक्ट करेंगे ना, कि जो हम इंटरवल सेलेक्ट करेंगे वो क्या होंगे, 30 डिग्री के होंगे। मतलब जो भी आप थीटा की वैल्यूज़ पुट करोगे वो 30 डिग्रीज़ के इंटरवल पर आप पुट करोगे। सबसे पहले आप -180 डिग्री पुट कर रहे हो, फिर 30 ऐड करो, -150 डिग्री, फिर 30, -120 डिग्री, इस तरह 30 डिग्री के इंटरवल पे होगा, 0, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, हर एंगल में आप 30 डिग्री ऐड करते जाओ और नेक्स्ट वैल्यूज़ आपके पास आती जाएंगी और वो इस फंक्शन के अंदर पुट करते जाओगे आप। अब जब आपके पास, आपको ये भी समझ आ गई कि आपने कितने इंटरवल के फासले पे आपने वैल्यूज़ लेट करनी है, 30 डिग्री के फासले पे लेट करनी है, 0, 30, 60, 90, 120 इस तरह, और नेगेटिव में भी आप 30, 30, 30 के फासले पे जाओगे। और तो अब आपके पास काम क्या है कि आपने जब थीटा की वैल्यू लेट कर ली है, अब आप क्या करो, ये जो फंक्शन गिवन है सवाल में इसके अंदर थीटा की वैल्यूज़ पुट करते जाओ और वाई की वैल्यूज़ निकालते जाओ। पुट करने का तरीका बहुत ईजी है, पुट करने के लिए सिंपल आपको एक अदद कैलकुलेटर चाहिए, और अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो आप ख़ुद भी कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप कैलकुलेटर का सहारा लो, क्योंकि मुझे आप लोगों पर भरोसा है कि आप लोग कैलकुलेटर के बगैर नहीं कर सकते। खैर, पुट कैसे करोगे, देखो एंगल जो है वो डिग्री के अंदर है, तो आपका कैलकुलेटर जो है इसके ऊपर ना छोटा सा, मैं अगर फोकस कर पाऊँ, छोटा सा आपको डिग्री नज़र आना चाहिए, लेकिन इस वक्त आर हुआ है, मेरा कैलकुलेटर रेडियन के अंदर है। अगर आप गौर से देखो छोटा सा आपको ऊपर ये वाली चीज़,
ये आपको आर लिखा हुआ नज़र आ रहा है, मतलब मेरा कैलकुलेटर रेडियन के अंदर है। तो आप सिंपल क्या करो, शिफ्ट दबा के मॉड पे जाओ, और इधर 3 पे डिग्री है, 4 पे रेडियन है, मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो आप 3 दबा दो। अब अगर आप गौर से देखोगे तो छोटा सा डी आपको ऊपर इस जगह पर नज़र आ रहा है, इसका मतलब है मेरा कैलकुलेटर डिग्री के अंदर कन्वर्ट हो गया। खैर, अब स्टार्ट कैसे करोगे, जब आपका कैलकुलेटर डिग्री के अंदर कन्वर्ट हो जाए उसके बाद आप डिग्री की जितनी, तो आराम से कॉपी साइड पे रख के ग्राफ रखना और वैल्यूज़ पुट करते रहना। अगर पीछे कर दोगे तो बार बार इधर पुट करोगे, फिर पीछे देखोगे, फिर इधर करोगे, यूँ ही करते रहोगे पूरे पेपर में। तो बेहतर है अपनी कॉपी पे सॉल्व करना, जो भी पेपर में क्वेश्चन नंबर आए, ट्रिग्नोमेट्री के सेक्शन में आता है, क्वेश्चन नंबर डालना अच्छे तरीके से, टेबल बना लेना, उसके बाद ग्राफ जो है उसको सॉल्व करना, और ग्राफ अपनी कॉपी के साथ अटैच कर देना। ज़रूरी नहीं कि जिधर आपने सॉल्व किया है वहीं आपको ग्राफ अटैच करना है, ऐसी कोई शर्त नहीं है, बस आप सॉल्व कर देना और ग्राफ साथ कॉपी में अटैच कर देना, वो खुद ही कंसीडर कर लेगा चेकर जो है। खैर, अब बहुत लंबी हो गई है, मेरे ख्याल में आप ग्राफ पेपर पे आ जाते हैं कि आपने ड्रॉ किस तरह करना है। इसको ड्रॉ करने का सबसे पहले तरीका ये है कि आपने एक वाई एक्सिस बनाना है और एक आपने एक्स एक्सिस बनाना है। अच्छा, ग्राफ ग्राफिंग करते हुए आपको 4-5 स्टेप जो है वो जहन में रखने पड़ते हैं, वो मैं अभी नहीं बता रहा, वो मैं जब एक ग्राफ पूरा बना लूँगा उसके बाद आपको हर स्टेप सुकून से बताऊँगा मैं आप लोगों को। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा थीटा की वैल्यूज़ कहाँ से लेके कहाँ तक हैं। तो थीटा की वैल्यूज़ -180 डिग्री से 180 डिग्री तक है, मतलब 0 से 180 डिग्री भी जाना है, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे भी आपको जाना पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज़, ये जो एक्स जो इनपुट होता है, जो हम वैल्यूज़ पुट करते हैं वो हम एक्स एक्सिस पे प्लॉट करते हैं, और जो वाई वैल्यूज़ आती हैं वो हम वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं, ये भी चीज़ है एक। खैर, आपको 0 से पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ भी जाना है और आपको 0 से नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ भी जाना है। तो जब आपके पास थीटा की ऐसी वैल्यूज़ हों जो पॉजिटिव भी हों और नेगेटिव भी हों, तो उसका बेस्ट तरीका ये है कि आप बिल्कुल दरमियान में, सेंटर में, 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल एक रॉ में ना आपके पास 8 बॉक्स हैं, तो बेस्ट तरीका ये है कि आप बिल्कुल दरमियान में एक लाइन खींच दो। इसी तरह अगर आप कॉलम में देखो तो 1 2 3 4 5 टोटल 10 आपके पास बॉक्स हैं, तो बिल्कुल दरमियान में 5 इधर 5 इधर आप एक लाइन ड्रॉ कर दोगे। जब ये हो जाए, ये उस केस में होगा जब आपके पास पॉजिटिव वैल्यूज़ भी हों एक्स एक्सिस पे और नेगेटिव वैल्यू भी हों एक्स एक्सिस पे, तो आप बिल्कुल सेंटर में बनाओगे लाइन और इस तरह ड्रॉ कर दोगे। अगर आपके पास वैल्यूज़ पॉजिटिव ही हैं, कुछ केसेस में होगा जिसमें, मैं आपको बता देता हूँ, मैंने सब ड्रॉ कर लिए थे ताकि आप लोगों को सब सॉल्व। जैसे इसमें देखो, अब इसमें आपकी वैल्यू 0 से लेकर 360 डिग्री तक है, इसमें कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं है, तो आप दरमियान में नहीं बनाओगे। क्यों दरमियान में नहीं बनाओगे वो मैं आपको बाद में थोड़ा समझा दूंगा, बस अभी आप समझ लो कि करना क्या है। अगर पूरी पॉजिटिव होंगी तो आप वाई एक्सिस कोने पे बनाओ, और एक्स एक्सिस तो वही दरमियान में आप बनाओगे और फिर ग्राफ ड्रॉ करोगे। बाकी रीज़न जो है वो इंशाल्लाह जैसे ही मैं पहला ग्राफ ड्रॉ कर लूँगा उसके बाद आपको पूरी रीज़न के साथ एक ही चीज़ समझाऊंगा, अभी तो बस मैं आप लोगों को ओवरव्यू दे रहा हूँ। एक और चीज़, ग्राफ जब बनाऊँ तो आपने ये पेन यूज़ नहीं करना। मैंने तो इसलिए पेन यूज़ किया हुआ है क्योंकि आप लोगों को नज़र आए, पेंसिल यूज़ करूँगा तो नज़र ही नहीं आएगा, फिर कॉमेंट करोगे सर कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि जब पेंसिल से बनाओगे तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब मैंने पेन से बनाया था तो मैं ज़रा जूम करके दिखाता हूँ ना, जो मैंने कारनामा किया है ये वाला, ये कोशिश करना ही ना हो, क्योंकि ये ना ग्राफ पेपर में बड़ी बुरी चीज़ लगती है। तो अगर आप पेंसिल से ड्रॉ कर रहे हो तो मेरे ख्याल में फिर तो आपको ज़रूरत नहीं है, आपके पास एक अदर रबर होता है वो बाय कर लेना, और उससे तो आपका आसानी से कोई काटा पीटी जो की होती है ना, ये नहीं करना, ठीक है। तो मेरे ख्याल में हर वैल्यूज़ होगी आपकी। अब आ जाओ, ग्राफ आपने ड्रॉ किस तरह करना है, अब मैं बात कर रहा हूँ स्केल की, कि आपने स्केल किस तरह सेलेक्ट करना है। स्केल सेलेक्ट करने का तरीका ये है कि आपने देखनी है, सबसे पहले अभी मैं आपको ये ही नहीं बता रहा कि मैंने ये वाला स्केल क्यों लिया है, ये मैं आपको इंशाल्लाह जब ग्राफ पैरा बन जाएगा फिर मैं एक एक चीज़ इसमें बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि मैंने स्केल जो लिया उसके मुताबिक किस तरह ड्रॉ करना है, किस तरह वैल्यूज़ मैंने इस तरह लेट की हैं। अब ये वाला स्केल मैंने क्यों चूज़ किया, इंशाल्लाह ग्राफ के एंड पे आपको पता चल जाएगा जब पूरा ड्रॉ हो जाएगा। मैंने स्केल क्या लिया हुआ है, एक्स एक्सिस पे 6 स्मॉल बॉक्स जो है वो 30 डिग्री के बराबर है। तो ये एक्स एक्सिस है, इस पे 6 स्मॉल बॉक्स देखो, पहला ये 2 3 4 5 6, तो ये 6 स्मॉल बॉक्स जो है एक्स एक्सिस पे, ये कितने हैं 30 डिग्री के बराबर है, ठीक है। और इसी तरह फिर इसके बाद आप 1 2 3 4 5 6, फिर 6 गिनो, ये 30 + 30 60 डिग्री हो गया, फिर 1 2 3 4 5 6, ये आपके पास अगेन 30 डिग्री ऐड हो जाएगा तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह जो 6 स्मॉल बॉक्स जो हैं एक्स एक्सिस पे वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं 30 डिग्री को। अच्छा जी, और अगर आप वाई एक्सिस की बात करो तो वाई एक्सिस का स्केल क्या है कि 3 स्मॉल बॉक्स जो हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं 0.1 यूनिट को। वाई एक्सिस ये आपके पास 3 स्मॉल बॉक्स के हैं, इसमें 1 2 3, ये 3 बॉक्स हैं आपके पास, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं 0.1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
तो ये मैंने स्केल सेलेक्ट कर लिया, क्यों किया वो इंशाल्लाह वीडियो के एंड पे आपको पता चल जाएगा। जब आपका स्केल भी सिलेक्ट हो जाए, आपके पास वैल्यूज़ भी आ जाएँ, तो इसका मतलब है अब आप तैयार हो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए एक अदद चाहिए आपको, पेंसिल बस, और इन केस अगर आप गलती कर रहे हो तो आपको एक चाहिए रबर, और उससे पहले आपको एक स्केल चाहिए, और वो मेरे पास अभी फ़िलहाल है नहीं तो मैं दिखा नहीं सकता। खैर, वैल्यूज़ जो है उनको प्लॉट करना स्टार्ट कर दो। सबसे पहली वैल्यू आपके पास क्या है, -180 डिग्री, और -180 डिग्री पर वाई की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। -180 डिग्री कहाँ है, यहाँ पे, इसमें वाई की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। वाई 0 क्या होगा, देखो ये है ओरिजिन आपके पास, और इधर आपकी एक्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है, और ऊपर आपकी वाई की वैल्यू बढ़ती जा रही है। अब वाई की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब है वाई इस पॉइंट पर, जैसी वाई की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो आप ऊपर आते जाओगे। अभी वाई 0 है तो -180 डिग्री पर मैंने एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट ड्रॉप कर दिया। उसके बाद आपके पास क्या है, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, आपके पास है -150 डिग्री पे y वैल्यू -0.5 आ रही है। देखो ऊपर y वैल्यू पॉजिटिव है और नीचे y वैल्यू नेगेटिव है, तो -150 डिग्री कहाँ है, यहाँ पे, और -150 डिग्री पे आपकी वैल्यू क्या आ रही है, -0.5 आ रही है, और -0.5 का होगा यहाँ पे, ये -0.5 है, तो आप चलते जाओ और -150 से एक लाइन इस तरह आओ, और -0.5 से इस तरह आओ, तो ये वाला पॉइंट आपका आ जाएगा। अच्छा, पॉइंट आमतौर पर स्टूडेंट करते क्या है कि वो इतना मोटा बना देते हैं यहाँ पे पॉइंट। मोटा बनाने की ज़रूरत नहीं है, अपने पेंसिल को शार्प रखना, हल्का सा एक पॉइंट ड्रॉ कर देना इसके ऊपर, और कोशिश करना ग्राफ आपका जो ना नीट हो, ये नहीं कि उसके अंदर, मतलब एक कर्व भी अगर आप बनाओ तो स्मूथ कर्व बनाओ उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद -120 डिग्री पर आपकी क्या वैल्यू आ रही है, -0.866। अभी इस वैल्यू की वजह से ना मैंने स्केल इस तरह चूज़ किया है, यहाँ पे इस वैल्यू की वजह से मैंने स्केल चूज़ किया है। अब मुझे ये स्केल जो है इस वैल्यू को ड्रॉ करने में काफ़ी हेल्प करेगा, कैसे वो ज़रा मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा जूम कर लूँ आप लोगों को नज़र आ जाए पिक्चर। -120 डिग्री पे -0.866 वैल्यू आ रही है। -120 डिग्री कहाँ है, यहाँ पे, ये -120 डिग्री है, और वैल्यू क्या है, -0.866। सबसे पहले ये -0.866 ढूंढो है कहाँ पे, देखो यहाँ पे -0.8 और यहाँ पे -0.9। 0.8 और 0.9 के दरमियान कितने डिवीज़न है, 3 है। इसका मतलब है 0.8 से 0.9 पे अगर आपने जाना है तो 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, तो वो 3 हिस्से कैसे डिवाइड होंगे, 0.833 पहली लाइन जो है, 0.833, फिर होगा 0.866 और फिर होगा 0.9। मतलब 0.8 और 0.9 के दरमियान कितनी डिवीज़न है आपके पास, 0.1 की है ना, तो 0.1 को आप 3 से डिवाइड कर दो, 3 डिवीज़न है 3 से डिवाइड कर दो, तो आपके पास क्या आ रहा है, 0.33 आ रहा है। तो 0.8 में अगर आप 0.033 ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 0.833। इसी तरह 0.833 में अगर आप 0.033 ऐड करोगे तो 0.866 आ जाएगा आपके पास। तो ये जो स्केल मैंने चूज़ किया है ना, उसने मुझे हेल्प की है कि 0.8 के बाद पहली लाइन रिप्रेजेंट कर रही है 0.833 और दूसरी लाइन रिप्रेजेंट कर रही है 0.866। तो ये पॉइंट है जो वाई एक्सिस में मुझे मिल गया 0.866, लेकिन एक्स जीरो नहीं है, ये मैं पॉइंट इधर उस पर ड्रॉ करता जब मेरे पास एक्स जीरो होता है, एक्स जीरो नहीं है, एक्स मेरे पास क्या है, -120 डिग्री है। तो अब क्या करो, -120 डिग्री से एक लाइन लाओ, ये -120 डिग्री की लाइन है, और 0.866 से एक लाइन लाओ, ये आपके पास किधर गई, ये वाली लाइन है, तो आप इसको आपस में ज्वाइन कर दोगे, नहीं पीछे होगी। तो फाइनली एक पॉइंट ड्रॉ कर लिया हमने ये वाला, बड़ी मेहनतों से। असल में मेरा ट्राईपॉड मुझे काफ़ी ऊपर से मैं देख रहा हूँ इसको, तो मुझे इतना नज़र नहीं आ रहा क्लियर, इसलिए मैंने खैर ड्रॉ कर लिया है। फाइनली एक पॉइंट ये मिल गया और एक पॉइंट आपको ये मिल गया। उसके बाद आपके पास है जब थीटा -90 डिग्री के बराबर है, तो वाई वैल्यू आपके पास -1 है, तो -90 ये आपके पास और वाई वैल्यू -1 ये पे, तो आप -1 से इधर आओ और -90 से आप नीचे आओ, तो यहाँ पर आपको वैल्यू मिल जाएगी। -1 से आप इधर आए हो और -90 से आप नीचे आए, तो आपको एक और ये वाली वैल्यू मिल गया। उसके बाद है आपके पास -60 डिग्री पे -0.866 है, ठीक है, दोबारा वही वैल्यू मिले, तो -60 डिग्री से आप नीचे आओ, ये आ गया -60 डिग्री से नीचे, और -0.866 कहाँ है, यहाँ पे होगा, तो ये वाला पॉइंट आपको एक और मिल जाएगा। सिंपल, आपको ये पॉइंट आपके पास क्या है, -0.866, तो यहाँ से आप इधर आओ और ये पॉइंट आपके पास 60 डिग्री, तो आप 60 डिग्री से नीचे आओ, तो आपको एक ये वाला पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है।
अच्छा पहला ग्राफ जो है मैं बहुत डिटेल से समझा रहा हूँ, इसके बाद कॉस का जब ग्राफ बनेगा ना उसमें भी यही वैल्यूज़ होंगे आपके पास, ये 0.86, 0.5 यही वैल्यूज़ होंगे। तो मैं बस आपको बता दूंगा, ये मैं आपको डिटेल से समझा रहा हूँ। उसके बाद आपके पास -30 डिग्री पे वैल्यू आ रही है -0.5, तो -30 डिग्री यहाँ पे और -0.5 क्या है, ये -0.5 है, तो -0.5 से इधर आओ और 30 डिग्री से आप इधर आ जाओ, तो आपको एक और पॉइंट मिल जाएगा। उसके बाद है 0 डिग्री पे 0 वैल्यू मिल रही है, तो 0 डिग्री कहाँ पे है, 0 डिग्री बिल्कुल ओरिजिन पे, और इस पर आपको वाई वैल्यू क्या मिल रही है, 0 ही मिल रही है, तो आप ओरिजिन को कंसीडर करोगे।